नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हिंदी व्याकरण पार्ट टू में स्वागत करता हूं। और आप सभी ब्रिस्टेक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस तरह के लेटेस्ट वीडियोज के अपडेट्स मिलते रहें। चलिए, अर्थ शब्द विचार पे हम अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक वर्ड ढूंढेंगे। तो सार्थक राम, घर, नगर। निरर्थक धम्म, हल, चल। ये कोई शब्द का मीन्स नहीं होता निरर्थक, मतलब इनका कोई मीन्स होना चाहिए। जैसे अर्थ के आधार पर तो राम, घर, नगर, ये इसका कोई ना कोई मीन्स है, पर इसका कोई मीन्स नहीं है। ठीक। फिर बनावट के आधार पर, ये अर्थ के आधार पर था, बनावट के आधार पर रूढ़, जिसके खंड करने पर अर्थपूर्ण शब्द ना निकले, जैसे राम, रा और मा, अर्थपूर्ण शब्द ना निकले। ठीक, जिसके खंड करने पर। फिर यौगिक, जिसके खंड करने पर अर्थपूर्ण शब्द निकले, जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय। ठीक। योग रूढ़, जो अपना सामान्य अर्थ छोड़ विशेष अर्थ देते हैं, इसमें प्रायः पर्यायवाची शब्द आते हैं, जलद, बादल। ठीक। उत्पत्ति के आधार पर शब्द तत्सम, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों बोले जाते हैं, जैसे अग्नि, आम्र, पुष्प आदि। ठीक। फिर तद्भाव, तद्भाव में क्या होता है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में आने पर रूप बदल गया, जैसे आग, फूल, आम आदि। ठीक। फिर देसी, जो शब्द देसी भाषा से लिए गए ग्रामीण क्षेत्रों में बोले जाते हैं, जैसे लुटिया, डिब्बा आदि। ठीक। फिर बात करते हैं विदेशी शब्दों की, जो शब्द विदेशी भावनाओं से लिए गए हैं, जैसे हॉस्पिटल, अदालत। ठीक। औरत, लाश आदि। फिर संकर शब्द की बात करते हैं, तो संकर शब्द क्या होते हैं। ठीक। जो शब्द देसी और विदेशी भाषाओं से मिलकर बने हैं, जैसे टिकट, घर आदि। ठीक। समान रूपांतर के आधार पर बात करते हैं, विकारी लिंग वचन कारक के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन होता है, जैसे तुम, वह, बालक। अविकारी लिंग वचन कारक के कारण जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे आगे, पीछे, यहाँ, वहाँ, ये अन्यय, अव्यय भी कहलाते हैं। अब तद्भव और तत्मस की बात करते हैं, तद्भव और तत्मस तत्सम बहुत बार आता है और ये हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो तद्भव क्या होता है, संस्कृत वे शब्द जो हिंदी में आने पर बदल जाते हैं, जो हिंदी में आने पर इनकी मीन्स बदल जाते हैं, वो तद्भव कहलाते हैं शब्द। ठीक। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं, तत्सम में ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं और तद्भव में बदल जाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बदल जाते हैं, कुछ उदाहरण से हम समझते हैं। आमी, आमी तद्भव है, तो तत्सम क्या होता है, अमृत। अक्षर, तो अक्षर, दोनों में थोड़ा सा चेंज होता है, आगम, आगम्य, अनत, अनत्य। ठीक। अमचूर, अम्रचूर, अनाज, अन्न, अदरक, अदरक, अमोल, अमूल, आकाश, आकाश, इस तरह से बनते जाते हैं, आखर, अक्षर। ठीक। अमावस, अमावस्या, मतलब जो सही है वो तत्सम होता है, और जिसमें कुछ चेंजेस होते हैं, बदल जाते हैं, वो तद्भव होते हैं। तो हमने बात करी है तद्भव और तत्सम की। जैसे उल्लू, उल्लू के उलूक, घर का ग्रह, दिया का दी, दाई के धात्री। ठीक। कुम्हार, कुंभकार, हिलका, सकल, ये सारी चीजें होते हैं दोस्तों। ठीक। घी, गधूत, दूल्हा, दुर्लभ, पतला, प्रलन। ठीक। ये सारी चीजें तत्सम और तद्भव होती हैं। ठीक। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं ब्याह, विवाह, चूरण, चूर्ण। ठीक। ये सारी चीज, चर्म, चमड़ा, तोता, टिम, कुआं, कू, मुद्री, मुद्रिका, मोर, मुकुट, माँ, माता, मछली, मत्स्य, मनई, मानव। अब हम बात करते हैं हिंदी व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, परसर्ग। हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण में छह अंग होते हैं जो कि हमको सीखना है बहुत ही सरलता से। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, पांच। संज्ञा के व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक
संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा देखते हैं, तो इसमें पुस्तकों, नदियों, देशों, शहरों, पर्वतों, भवनों भवनों आदि के नाम आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा में पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, पद वस्तुओं के नाम, फल फूल आदि। द्रव्यवाचक में माई, तौली जाने वाली वस्तुओं के नाम, मापी या तौली जाने वाली, मतलब जिसको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, वो होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक, जैसे तेल को तो तौल ही सकते हैं, गिन तो सकते नहीं। समूहवाचक संज्ञा वस्तुओं का समूह, व्यक्तियों का समूह, जहां पे समूह हो वहां पे समूहवाचक संज्ञा होता है। भाववाचक संज्ञा गुण, कर्म, धर्म, भाव आदि का बोध हो, इसे गिना नहीं जा सकता। भाववाचक भावना को किसी कोई गिन नहीं सकता। चलिए अब दूसरा हम देखते हैं कौन सा है। दूसरा है सर्वनाम। तो हम देखेंगे सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। तो पुरुषवाचक में क्या आता है? मैं, तुम, ये, वो। निश्चयवाचक में यह, वह। अनिश्चयवाचक में कोई नहीं, कुछ। निजवाचक में स्वयं, आप, खुद। संबंधवाचक जो, सो। प्रश्नवाचक क्या, कौन, कब। मतलब पुरुषवाचक में मैं हो गया, तुम हो गए, ये सब, ये हो गए, वे हो गए। ठीक, निश्चयवाचक में यह, वह, मतलब निश्चय बताया जाता है। अनिश्चयवाचक में कोई भी हो, कुछ भी हो। ठीक, निजवाचक में आप स्वयं होते हैं, आप खुद होते हैं। ठीक, संबंधवाचक में जो, सो। ठीक, प्रश्नवाचक में आप प्रश्न पूछते हैं, क्या, कौन, कब। ठीक, अब हम तीसरा देखते हैं क्रिया। क्रिया क्या होती है? तो क्रिया के निम्न भेद होते हैं। अकर्मक, जहां कर्म की आवश्यकता ना पड़े, अकर्मक होता है। सकर्मक, जहां कर्म की आवश्यकता पड़े। द्विकर्मक, जहां दो कर्म की आवश्यकता पड़े। प्रेरणार्थक, जहां स्वयं ना करके दूसरों से करवाएं। अपूर्ण क्रिया, जहां विधेयात्मक शब्दों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे राम एक शिक्षक है। फिर सहायक क्रिया, भाव को पूर्ण करने वाले शब्द को सहायक क्रिया कहते हैं, जैसे वह सो रही थी। ठीक, अब हम बात करते हैं चौथे विशेषण की। विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक, गुणवाचक, गुण, दशा, आकार, रूप, रंग, काल, स्थान। फिर हम दूसरा देखते हैं संख्यावाचक, नि, सीख, संख्यावाचक, 30, 50। ठीक, प्रणाम वाचक, इसमें दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक, ये निश्चित संख्यावाचक था। और अनिश्चित, कुछ, सारे, मतलब जहां पे आप गिनती गिन सकते हैं कि यहाँ पे 30 ही है, कि 50 ही है, कि 10 है, कि 20 है, तो वहां पे निश्चित संख्यावाचक होता है। और जहां पे हम नहीं गिन सकते हैं, बता देते हैं कुछ है, सारे, सारे लोग, तो ये सारी चीजें अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं। परिणाम वाचक, नाप तौल का पता चलता है, जहां पे हम नाप कर तौल कर पता लगाते हैं, माप कर, वहां पे परिणाम वाचक आता है। सर्वनामिक, मैं, तू, वह। अब अव्यय और परसर्ग हम अगले पढ़ेंगे आगे। ठीक, हम विस्तृत पढ़ेंगे संज्ञा। तो संज्ञा हमने यहाँ पे प्रकार पढ़े कि कितने होते हैं, अब उनके बारे में पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक, एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, हिमालय, गंगा, राम, यहाँ पे एक ही हो। जातिवाचक, किसी व्यक्ति या वस्तु की समस्त जात, मनुष्य या पर्वत। समूहवाचक में किसी व्यक्ति वस्तु के समस्त समूह का बोध, सेना, भीड़। द्रव्यवाचक, जिस शब्द से नाप तौल वाली वस्तु का बोध, कोयला, दूध। भाववाचक, जिससे किसी व्यक्ति के गुण द्वारा स्वभाव का बोध, बुढ़ापा, महत्व। फिर अब लिंग देखते हैं। लिंग, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये जरूर पूछा जाता है, ये 1 नंबर में, 2 नंबर में क्वेश्चन आते ही हैं दोस्तों, और निश्चित तौर पर 1 या 2 क्वेश्चन फंसेंगे इससे। तो इसमें क्या होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। ठीक, धातु, अनाज, माह, दिवस, तारे, ग्रह, देश, रत्न, शहर, पहाड़, वृक्ष आदि पुल्लिंग होते हैं। अपवाद इसके हैं पृथ्वी, चांदी, मूंग, मथुरा, अयोध्या, काशी, इमली, स्त्रीलिंग है। ठीक, इसके अपवाद जो होते हैं। ठीक, नोट, देश, मिश्र, शत्रु, प्रधानमंत्री, कपड़ा, आत्मा आदि दोनों लिंगों में प्रयोग होते हैं। स्त्रीलिंग, नदियों के नाम, तिथियों के नाम, स्त्रीलिंग है। अपवाद, सिंधु, सोन, ब्रह्मपुत्र, नदियां पुलिंग हैं, घी, दही, पानी पुलिंग हैं। तो अब वचन की बात करते हैं। वचन भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यदि आप इसे समझ गए तो 2 नंबर आपसे बनने ही बनने हैं। अगर हम एक एक दो दो नंबर को ही लेके चलते हैं तो हम परीक्षा में पास होने तक समझ सकते हैं। तो एक वचन, बहुवचन। तो एक वचन क्या होता है? जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम के केवल एक शब्द का बोध हो, जैसे लड़का। नोट, कुछ शब्दों में एक वचन बहुवचन समान रहते, जैसे ईश्वर, आकाश, सूर्य, मन। बहुवचन, जिन शब्दों में बहुत सी वस्तुओं का बोध हो, जैसे पुस्तकें।
नोट, सामान्य अर्थ में व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक संज्ञा के बहुवचन नहीं होते हैं, जैसे राम के रामे, सोना का सोने, सुंदरता का सुंदरते, इस तरह से नहीं होते। क्रिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमने ऊपर चर्चा किया था, हम यहाँ पे विस्तार से थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जिस शब्द में किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया दो प्रकार की होती है, रचना की दृष्टि से सकर्मक अकर्मक। जिस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हो वो सकर्मक होता है, जिस कर्म के साथ कर्म ना जुड़ा हो वो अकर्मक होता है। जैसे राम फल खाता है, जैसे राम खाता है, ठीक। तो इन दोनों में अंतर समझिए, राम फल खाता है, इसमें बताया जा रहा है कर्म, और इसमें राम खाता है क्या कर्म कर रहा है पता ही नहीं। इस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म फल जुड़ा है, इस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं जुड़ा है। और पहचानने की ट्रिक क्या है, सकर्मक व अकर्मक क्रियाओं की पहचान के लिए क्या लगा के देखो, यदि क्या का उत्तर मिले तो सकर्मक, अगर ना मिले तो अकर्मक। क्या राम फल खाता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। अब आप क्या लगा के देखें, देखो जैसे राम क्या खाता है, तो हमें पता क्या, पता क्या का उत्तर मिला, फल, तो वाक्य में सकर्मक क्रिया है। क्रिया के कुछ अन्य भेद भी हैं, जैसे सहायक क्रिया, ठीक। तो सहायक क्रिया क्या होती है, सहायक क्रिया मुख्य रूप से के साथ जुड़ती है, जैसे मैं घर जाता हूं, ठीक हूं, सहायक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया को आरंभ कर देता है, तो पहली क्रिया पूर्वकालिक होती है, जैसे सीता भोजन करके सो गई, भोजन करके, ये पूर्वकालिक है, कर चुकी है भोजन, कर नहीं रही है, कर चुकी है। नामबोध क्रिया संज्ञा या विशेषण के साथ जुड़ने से बनती, जैसे लगे मारन, लगी मारना नामबोध क्रिया है, पीला पड़ना, पीला पड़ना। ध्रुकर्मक क्रिया क्या होता है, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं, जैसे राम ने श्याम को थप्पड़ मारा, श्याम कर्म है, थप्पड़ कर्म है, ठीक। संयुक्त क्रिया क्या होती है, जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से बनती है, जैसे मुझे पढ़ने दो, वह पेड़ से कूद पड़ा। क्रियार्थक संज्ञा, जब कोई क्रिया संज्ञा की तरह प्रयोग की जाती है, जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो ये क्रियार्थक संज्ञा है। अब हम बात करेंगे कारक की, सार्थकता को लाने के लिए संबंध को बतलाने का कार्य कारक करते हैं। कारकों की संख्या 8 होती है, ठीक। कारक विभक्त, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की के रारी रे रनानी ने, अधिकरण में पर भीतर अधिकार हो, संबोधन हे हो अरे ए ऐ। तो उदाहरण हम देखते हैं, राम ने भोजन किया, ये हुआ कौन सा, कर्ता ने। फिर राम ने सीता को पीटा, बिना पुस्तक पढ़ रहा है, राम ने सीता को पीटा, को आया कर्म को, ठीक यहाँ पे। फिर राम ने सीता को डंडे से मारा, राम ने सीता को डंडे से मारा। बच्चे के लिए गेंद लाओ, बच्चे के लिए गोद लाओ, इसमें संप्रदान है, ठीक। सवार घोड़े से गिरा, वृक्ष से पत्ता गिरा, ये काहे का है, अपादान का, ठीक। फिर मेरी घड़ी खो गई, मैंने अपनी पुस्तक लिखी, मेरी घड़ी खो गई, मैंने अपनी पुस्तक लिखी, ये हाँ संबंध है। फिर अधिकरण, मेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर पुस्तक रखी है, ये अधिकरण हुआ। संबोधन, हे प्रभु उसके ऊपर कृपा करना, ये क्या हुआ संबोधन, ये हमने पढ़े क्या, कारक। अब क्या पढ़ेंगे, सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, मैंने बता दिया पहले ही, पुरुषवाचक मैं तुम वह, निश्चयवाचक यह वह, अनिश्चयवाचक किसी को कुछ, संबंधवाचक जो जो तुम चाहो करो, प्रश्नवाचक कौन कहाँ, निजवाचक आप। तो पुरुष में क्या होता है, पुरुषवाचक में उत्तम मध्यम अन्य भी होते हैं, तो उत्तम में मैं हम बात करने वाला, मध्यम तुम तू आप जिससे बात कही जाए, अन्य वह भी जिसके माध्यम से बात कही जाए। वाक्य भेद, काइंड ऑफ सेंटेंस, हम वाक्य की बात करते हैं, तो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। तो वाक्य के भेद कितने होते हैं, 8 प्रकार के, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के, रचना के आधार पर 3 प्रकार के, ठीक। तो विधानवाचक, क्रिया को के करने की सूचना मिले, जैसे राम पढ़ रहा है। निषेधवाचक, नहीं आए, जैसे राम ने खाना नहीं खाया। आज्ञावाचक, आज्ञा प्रार्थना उपदेश का बोध हो, जैसे राम तुम बैठकर पढ़ो। प्रश्नवाचक, जिनमें प्रश्न चिन्ह लगा हो, जैसे राम कहाँ जाएगा। इच्छावाचक, इच्छा आशीष शुभकामना का बोध हो, जैसे आशा आवास, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया।
संदेहवाचक जिसमें संदेह या संभावना व्यक्त हो, जैसे शायद तुम आज राम आ जाए, शायद आज राम आ जाए। विस्मयवाचक आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि का भाव हो, जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है। संकेतवाचक एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। अब हम बात करते हैं रचना के आधार पर, तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक, संयुक्त वाक, मिश्रित वाक। पहचानने की ट्रिक क्या है? सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है, जैसे राकेश पढ़ता है। संयुक्त वाक्य दो सरल वाक्यों में बनता है, तथा विवाक्य और एवं या अतः फिर भी तो नहीं तो किंतु पर से जुड़े हों। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करते हैं, वह सुबह हो गया और शाम को लौटा। वह सुबह सुबह गया और शाम को लौटा, इसमें क्या है? संयुक्त वाक्य। दो वाक्य हैं, मिश्रित वाक्य वाक्यों के मुख्य तथा गौण वाक्य होते हैं, तथा वे ये वाक्य कि जो वह जितना उतना जैसा कैसा जब तब तहां वहां जिधर उधर आदि आदि से जुड़े हों। जैसे मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। अब हम बात करते हैं उपसर्ग की, ठीक? तो उपसर्ग क्या होता है? उप का अर्थ समीप, सर्ग का अर्थ सर्जना, अर्थात जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उनका अर्थ बदल दे। जैसे हार एक सार्थक है, मैंने इसके प्रारंभ में बी जोड़ दिया जिससे हार शब्द बिहार बन गया। बिहार गांव देश का नाम है, राज्य का नाम है, जिला का नाम है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? उपसर्ग। उदाहरण से पहले हम देखते हैं संस्कृत की उपसर्ग, अति यदि अभिमा उप अप उत नीरसम आदि। हिंदी के उपसर्ग अद्य अन उन औ ऊ सा नी आदि। उर्दू के उपसर्ग कम खुश वे लासर हम आदि। अतिक्रमण अत्याचार अभिभाषा अभ्यर्थी अधिकार अध्यक्ष सम संगम समग्र निर्निर्वार्क निराकरण सुसकर्म स्वागत उज्ज्वल उच्चारण उत्कर्ष प्रति प्रतिफल प्रत्येक प्रा प्रणाम प्रेरणा अथ। ये सारी चीजें होती हैं। अब प्रत्यय उपसर्ग का टोटल उल्टा होता है। प्रति का अर्थ साथ में, अय का अर्थ चलने वाला, अर्थात जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनका अर्थ बदल दे। हर्ष एक सार्थक शब्द, जैसे मैंने इसके अंत में इत जोड़ दिया जिससे नया शब्द हर्षित बन गया। कुंदन प्रत्यय, तद्वित प्रत्यय हम देखते हैं, कृत धातु से निर्मित, चिल्लाहट चिल्लाने में आहट जोड़ा गया। तद्वित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से निर्मित शब्द, कुलीन कुल में इन जुड़ने पर। उदाहरण इक मौखिक मानसिक, इन कुलीन नवीन, वान धनवान भाग्यवान, आयन कृष्णायन तिलकायन। अब उपसर्ग में क्या होता है हमने बता चुका है अभी, प्रत्यय और उपसर्ग दोनों हमने देख चुके। अब हम समास की बात करते हैं। तो समास के लिए हमने पहले ट्यूटोरियल बना दिया है जिसमें समास कंप्लीटली बताया गया है छवों प्रकार को। तो मिलते हैं हम आपको अगले ट्यूटोरियल में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।